अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपका सबका और अपना लाल शाह। काफ़ी दफ़ा कोशिश तो करता हूँ कि वो सुबह दूसरे व्लॉगर्स की तरह बेड पे जाते हुए गुड मॉर्निंग करते हुए नज़र आए, मगर वो कोशिश ही रहेगी। बेड से कहाँ आया जाता है अपने बेडरूम से और बेड से, बस वो कहाँ कोशिश करके ये चीज़ दिखाई जा सकती है। बस उठे हैं और वेदर चेंज होने की वजह से ज़रा गला चला भी पका हुआ है। सारा साल बस अब यहीं रह गया है, वेदर चेंज हो रहा है, वेदर ठीक हो रहा है, कभी बारिश है, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, और फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का, परवरदिगार का, कि उसने इतने तमाम मौसमों से नवाजा, इतने तमाम नियमतों से नवाजा। ये तो अपसाइड डाउन तो हमारी अपनी वजह से आता है ना। खैर, सोच रहे थे कि बस कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ कि उठ गए हैं। उठने के बाद आपको पता लगने के बाद इसमें वो मीम डल जाए कि अच्छा तो फिर मैं क्या करूँ अगर उठ गया। वो आजकल वो मीम भी बड़े हिट चल रहे हैं ना। तो अभी बेगम साहब हमारी किचन में मेरे लिए खिचड़िया बना रही हैं, खिचड़वा, तो मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट खिचड़ी, मज़ेदार से आज खिचड़ी खाने का दिल कर रहा था। फिर गर्मी है, गर्मियों के दिन में दोपहर के टाइम मज़ेदार सी खिचड़ी हो, दाल चावल हो या दाल चपाती हो, उसके साथ सलाद हो, कचूमर सलाद हो, और फिर कच्ची लस्सी हो, रड़के वाली कच्ची लस्सी हो, तो वो पीने का एक वैसे ही मज़ा दोबारा हो जाता है। फिर ज़िंदगी में कहते हैं चस आ गई है सोने। खैर, जैसी खिचड़ी हमारे टेबल पे आती है तो हम खिचड़ी की भी एक शक्ल दिखाते हैं, सलादवा की भी शक्ल दिखाते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वही टिपिकल व्लॉगर्स के अल्फाज, ये हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा। अबे क्यों अब मीम, मैं तो खुद सलगा नहीं सकता, वो कभी ये हिट हो गया तो वो लग जाएगा खुद ब खुद मीम। अबे क्यों, मैंने पूछा कि ये मीम लगाना है या हम तेरे साथ जुड़े रहे। खैर भाई, यही ज़माना है, डिजिटल ज़माना है, तो डिजिटल के लिए कुछ चीज़ें डिजिटल करते रहते हैं। चले बेगम, कितनी देर है? लो अभी थोड़ा टाइम है और वो थोड़े टाइम में बनेगी, तब तक पेट पूजा फिर क्या हो जाएगा यार। प्रोसीड टू क्लीन अप, ये क्लीन अप की ऑप्शन आ गई है वीडियो में।